श्री उमा शक्तिपीठ वृंदावन में हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित साधु तिवारी हैं, जो आरक्षण के संदर्भ में हमें कुछ कहना चाहते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ SC ST एक्ट प्रोन्नत में आरक्षण के खिलाफ देशव्यापी अभियान चालू किया है। इसमें कल हम लोगों ने आगरा में सम्मेलन किया, उसके बाद फिरोजाबाद, आज परम पूज्य गुरुदेव उमापीठाधीश्वर चंडी स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर के इनके विचारों को लिया गया। यहाँ से जन आंदोलन तेज किया जा रहा है। हम लोग प्रोन्नत में आरक्षण, SC ST का विरोध, संपूर्ण सवर्ण समाज के लोग, एक ब्राह्मण वर्ग का नहीं, संवर्ण समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो सरकार ने धोखाधड़ी अन्याय किया है, इसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल फूंक चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 7 अक्टूबर को विशाल प्रदर्शन एकजुटता का रखा गया है। राष्ट्रपति महोदय को कई बार प्रत्यक्ष अपने संगठन के माध्यम से भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी कोई सोच ही नहीं रहे कि संवर्ण पिछड़े भी इस देश के हकदार हैं या इनके ऊपर अत्याचार इतना किया जाएगा। फर्जी मुकदमे में लोग फंसाए जाना चालू हो गया है, फंसते जा रहे हैं। क्या वो देख नहीं रहे हैं? क्या राज्य सरकारें देख करके सूचना नहीं दे रही हैं? LIO से लेकर के सारी तंत्र काम कर रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि हाँ गलत हो रहा है, इतने ब्राह्मणों को फंसाया गया, क्षत्रियों को फंसाया जा रहा है, फिरौती लिया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में हम लोग एक सुर सवर्ण और पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। इसके लिए हम प्रदेश स्तर पर हर जिलों में दौड़ा कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष के माध्यम से सर्व समन्वय समिति के स्तर से सारे संगठनों को एकत्रित किया जा रहा है कि आप लोग आइए, अपनी एकजुटता का परिचय दीजिए और विशाल प्रदर्शन करिए। इसके बाद हम लोग अगर बनारस के बाद करेंगे तो दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि रोके नहीं रुकने वाला है। अगर सरकार मनमानी करेगी तो हम लोग विरोध करते रहेंगे, या तो वो वापस लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करे। यही आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, हम लोगों की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। आप लोग भी एक ऐसे स्तंभ हैं जिनके द्वारा देश का बहुत मजबूती के साथ अनुसरण किया जाता है कि हमारी मीडिया जगत आज देश की हर स्थिति से हम लोगों को अवगत कराती है। आज मीडिया कर्मी भी परेशान हैं, सरकार इनके ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही है। सारे कई पत्रकार मारे जा रहे हैं, किसी का कैमरा छीना जा रहा है, ये सब गलत हो रहा है। इसलिए हम लोग सामूहिक आंदोलन के लिए बाध्य हैं। सवर्ण समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, बनारस में हमारा अनुरोध है कि अधिक से अधिक तादाद में इकट्ठा होकर के अपनी एकता का प्रदर्शन SC ST एक्ट का विरोध दर्ज कराए। वर्तमान में हमारे भारत में आरक्षण एक कैंसर की बीमारी का रूप ले चुका है, जबकि आरक्षण गरीब वर्ग के लिए था, गरीबी के उत्थान के लिए था और होना भी चाहिए था। यद्यपि विश्व के किसी भी देश में आरक्षण नहीं है, लेकिन इसका फायदा वो लोग ले रहे हैं जो आरक्षण के अधिकारी नहीं है। इसके कारण हमारे समाज में वर्ग द्वेष बढ़ रहा है। आरक्षण होना चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं आरक्षण का, लेकिन किसका? केवल ओनली गरीबों का। और गरीब कौन है? मात्र इसकी 3 लाख रुपए की आय है वार्षिक, वही गरीब है। इससे ऊपर की आय वाला गरीब नहीं कहा जा सकता। जिसकी 50,000 रुपए महीने तक का वेतन है वो दूसरे नंबर का व्यक्ति मान लिया जाए, 3 लाख से ऊपर का कोई भी गरीब नहीं माना जाएगा और उसको आरक्षण दिया जाएगा। वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, उसे देना चाहिए। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो वो समय आने वाला है कि भारत में भयंकर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, जो इन सरकारों से रुकने वाला नहीं है। अब रही बात दूसरी, वर्तमान में एक समस्या बना दी SC ST एक्ट, जो क्या बना दिया है, कानून बना दिया है,
ये इतनी विरोध कानून है, इसमें लगभग 95% केस झूठे आते हैं। सवर्णों को, ओबीसी को, बीसी को फंसाने के लिए केवल ये कानून है। आज तक इतने दिन से बनी हुई कानून थी, उस कानून में क्या कमजोरी थी कि जिसके कारण ये नई कानून बनानी पड़ी, उसमें 98% गलत केस निकले, सब झूठ ही निकले। और इतनी बड़ी समस्या बन गई जब सुप्रीम कोर्ट ने सहयोग किया और ये कह दिया कि ये कानून गलत है, पहले जांच होना चाहिए, जांच होने के बाद व्यक्ति की अरेस्टिंग होना चाहिए, तब सजा मिलना चाहिए। इन धूर्त नेताओं ने, इन देशद्रोही नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, और बदल के इन्होंने कानून बना दिया कि नहीं, पहले पकड़ के बंद कर दो, वो जेल काटता रहे गरीब, जेल में सड़ जाए, और यहाँ झूठा केस केवल पैसा ठगने के लिए ये बलात्कार का केस लगाते हैं, इन जातियों वाले लोग मारपीट का केस लगाते हैं, ये जितने अधिकारी हैं ये CST में आने वाले सबके सब प्रायः देशद्रोही हैं, ये केवल ठगाई करते, सवर्णों का शोषण, OBC का शोषण, BC का शोषण। आवश्यकता है सारे सवर्ण, सारे OBC, सारे BC एकजुट होकर एक मंच पर आकर इस कानून का विरोध करें, काली कानून का, और नेताओं का विरोध करें, इन नेताओं को बिल्कुल वोट ना दें जो ऐसे नेता हैं इस कानून का समर्थन करने वाले, और जब गांव में जाएं तो सालों को जूतों से मारें।